अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, मेरे विद फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे उमरा करने के लिए, तो मैंने कहा चले आप लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए। तो बस फिर क्या, फिर अपने गाड़ी ली और गाड़ी का सफ़र और मक्के की रोडों पर जा रहे हैं मैं और विद रूममेट्स। में अभी तकरीबन 2 दिन पहले ही उमरा कर गया था, फिर जो रूममेट्स थे उन्होंने कहा कि यार फिर फ्रेंड्स जा रहे थे उमरा का, देख उन्होंने कहा कि चले आप भी आ जाए तो उमरा कर ले। तो फिर बस इसी बहाने मैंने कहा चलो उमरा हो जाएगा बस। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं जब आपको पहाड़ नज़र आ जाए मक्का जाते हुए, तो आप समझ लीजिए कि आप मक्का में एंट्रेंस हो चुके हैं। इसी बीच सामने एक बोर्ड आ गया, वहाँ खाना का बड़ी तस्वीर बनी है, मैंने कहा चले उसका शॉट ले लीजिए आप लोग। लेते देखें मतलब हम मक्के की गलियों में पहुँचने वाले हैं बिल्कुल। ये देखें जैसे ही आप मक्के जाएंगे, मक्के जाते हुए आपको ये रास्ता सामने दिखाई देगा। उसके बाद फिर क्या, फिर वेट करेंगे चेक पोस्ट का। चेक पोस्ट आ गई, एक चेक पोस्ट पीछे क्रॉस हो गई थी, दूसरी चेक पोस्ट आगे आ गई है। तो मैंने कहा चलें इसके लिए भी शॉट ले लिया जाए। बस फिर क्या, इसका शॉट लेते लेते चेक पोस्ट ख़त्म हो गई। डर यह था कि कब चेक कर रही, हमारे कब एक्सपायर हुए हुए थे, तो फिर ये कहना चेक वगैरह नहीं किया, तो बस सीधी हमारी गाड़ी जो थी चली गई थी। तो हमने गाड़ी पकड़ ली थी लाइक जद्दा में खिलवाशा से ग्रीन टैक्सी। तो उसके बाद जब आपको मक्के जाते हुए जब आपको लास्ट में ये बिल्डिंग नज़र आ जाए, तो इसका मतलब हम मक्के में एंटर हो चुके हैं। एंटर होती सामने वो क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्लॉक टावर। तो जब क्लॉक टावर नज़र आ जाए तो इसका मतलब है मक्के के हम बहुत ही करीब हैं। यहाँ से मक्के के लगने से 10 मिनट जो 10 मिनट का रास्ता था हमें तय करना था। उसके बाद ये ब्रिज वगैरह बिल्डिंग वगैरह, और माशाल्लाह मक्के में और पहुँच के तो बंदा और ही बहुत मज़े आ जाते हैं। यानी कि मक्का जब पहुँचते तो मक्के की गलियाँ देखें, आप माशाल्लाह वो टावर देख रहे होंगे राइट साइड पे, आप ऊपर टावर नज़र आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो बस फिर क्या है, वेट कर रहे थे कि किस टाइम मक्के पहुँचेंगे। मक्के जैसे ही हम बेसमेंट पे पहुँचेंगे हम आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। तो जो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दें। तो बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया था उम्र का, तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। जैसे ही फिर वीडियो बनाते बनाते हम पहुंच गए थे बेसमेंट में। ये थी हमारी बेसमेंट, यहाँ पे हम पहुँच चुके थे बिल्कुल। यहीं से ये है मेरा बैग और ये यहाँ से मैंने उतरना है, यहीं से बिल्कुल। देखें हाँ जी जा रहे हैं सामने, बिल्कुल यहीं से जाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो पसंद आएंगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको यहाँ से हमें कौन सी गाड़ी चढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर देखें ऊपर क्लॉक टावर है और चलो होते हैं। ये माशाल्लाह बाबर खान गेट के मीनार नज़र आ रहे हैं। रमज़ान का महीना होता है तो इन्होंने सिक्योरिटी बहुत ही टाइट कर रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करा करें, लाइक करा करें, वीडियो को शेयर किया करें। माशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये देखें फिर हम जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हैं, ऊपर से हम गुरु खाने पर आए हैं। हमें गुरु खाने पर गुरु वगैरह करना है, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े गुरु खाने हैं। और उम्मीद करता हूँ देखें आप बिल्कुल खाली हैं, उस टाइम कोई भी नहीं है और इतनी रश भी नहीं है। हम उसको वाशरूम के थे, फिर जैसे ही हम उम्र करके अंदर की तरफ आए हैं और आपके सामने माशाल्लाह उम्र करने पहुँच गए हैं। फिर ये आगे से आपको एक ट्रेन नज़र आ गई होगी, नज़र आ गई होगी मीन्स खाना कहाँ पर नजर आ जाएगा। कैसे जैसे ही हम पर आए फिर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे खाना काबा की तरफ। फिर हमने कहा चलें रुक कर लें अपना खाना काबा की तरफ। फिर अब जा रहे हैं खाना काबा। देखें माशाल्लाह अब आपको वीडियो में खाना काबा भी नज़र आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नीचे जाऊँगा ये देख सकते हैं अभी हमारी लिफ्ट जो चल रही है। और उम्मीद करते हैं देखें माशाल्लाह आपको खाना काबा नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सामने। तो जनाब बस जा रहे हैं अब आपको देखें माशाल्लाह खाना का बना जरा के है। तो बस अब हम जा रहे हैं हरी लाइट के पास, वहाँ से स्टार्टिंग करनी हम लोग मिलेगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये सामने में नज़र आ गया, मैंने कैमरा शॉट ले लिया जाए। उसके बाद बस प्रोग्राम जा रहा है, प्रोग्राम लेकर मैंने मोबाइल दे दिया जाए, मोबाइल लेके मैंने जेब में डाल देना है। आप देखें माशाल्लाह फिर उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। धूप का था तो मौसम था, उसके फेस पे रिएक्शन आता है गर्मी का। जब लोग हमारा उम्र वगैरह हो गया था उसके बाद जो जा रहे थे मरवा की तरफ मरवा का मज़ों को जाएंगे सारे घरों में तो आप कर देंगे मरवा की तरफ। धूप हो गया सब भाइयों का।
बस मैं कंप्लीट होकर उसके समझाया था कि जिसके बाद हमें मैं रुख इख्तियार करना है जल्दी तक रवाना नहीं किया। तो ये थैले वगैरह लोगों ने पकड़ा है, ये सब कुछ लोग जा